एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को स्पीकर के सामने पेश होने का दिया आदेश। कर्नाटक में चल रहे सियासी ड्रामे पर गुरुवार को देश के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को इस्तीफे के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए इस्तीफे देने वाले विधायकों को शाम 6 बजे स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विधायकों को स्पीकर से मिलकर इस्तीफे का कारण बताने के लिए कहा है। वहीं स्पीकर को भी आदेश दिया है कि वह आज ही विधायकों के इस्तीफे का फैसला ले। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसी के साथ कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को भी सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। बता दें कि बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर पर इस्तीफा स्वीकार करने में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कर्नाटक में अभी तक कांग्रेस के 11 जेडीएस 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ 2 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर सरकार का समर्थन वापस लिया है। इनमें उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकोहली, एच विश्वनाथन गोपालैया, बी बसवराज, नारायण गोंडा, मनु रंता और आनंद सिंह शामिल है। वहीं कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।